अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू कुक विद जारू। आज एक और मजेदार सी रेसिपी लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुई हूँ। आज बनाएंगे चिकन कटलेट, वो भी व्हाइट सॉस में। बहुत ही सिंपल और यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और ऑसम बनकर तैयार होती है, तो एक बार आपको ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले एक पैन में मैंने ले ली हूँ 2 टेबलस्पून के करीब बटर। इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून मैदा। अच्छे से मैदे को भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब दूध। अब बीटर की मदद से अच्छे से इसे बीट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। यहाँ पर देखिए अच्छे से ये बीट हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, और नमक डाल रही हूँ यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के करीब। बस अब अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं है ना, तो आप ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई। मैंने 2 मीडियम साइज की शिमला मिर्ची ली थी और 1 पत्ता गोभी छोटी सी, इसे भी मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर ली हूँ। बस अच्छे से सारी चीजों को मिला लेंगे। इसमें बस 2 ही सब्जियां जाती है, पत्ता गोभी और शिमला मिर्ची। सब्जियों को डालकर इसे ज्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस जितने देर में ये व्हाइट सॉस पकेगी, गाढ़ी होगी, उतने देर ही सब्जियां भी पक जाएंगी और इनका जो क्रंचीपन है इसे खत्म नहीं करना है। यहाँ पर देखें ये अच्छे से ठीक होती जा रही है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बोनलेस चिकन। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली थी। इसे अदरक लहसुन नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के मैंने बॉइल करके इस तरह से श्रेड कर ली हूँ। बस अब इसे ऐड कर लेंगे। थोड़े से चिकन में ये इतने सारे कबाब बनकर तैयार होते हैं। इस कबाब को आप रमजान में बनाकर फ्रीज कर ले, पूरा महीना आप इसके टेस्ट को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार ये रेसिपी है। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ स्लाइस चीज। आप कोई भी अपनी पसंद की चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 स्लाइस चीज यहाँ पर ऐड की हूँ। अगर आपके पास प्रोसेस चीज है, मोजरेला चीज है, तो आप उसे भी ऐड कर ले। बस अब अच्छे से इसे एक मैं मिक्स दे दूंगी। यहाँ पर देखें ये धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, और जब चिकन डालेंगे ना, तो ये जितना भी दूध वगैरह है ये अच्छे से सूख जाएगा। यहाँ पर देखें इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दी थी सूखने के लिए। अब इसे निकाल दूंगी एक प्लेट में। इसे बिल्कुल ठंडा होने देना है, उसके बाद हम कबाब का शेप देंगे। आप थोड़ी देर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। अब यहाँ पर देखें ये अच्छे से सूख गया है और इसके गोले भी अच्छे से बन रहे हैं। अब आसानी से इसके कबाब भी बन जाएंगे। जिस तरह के शेप के आप कबाब बनाना चाहते हैं आप बना ले। मैं यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे सिलेंडर टाइप बना रही हूँ। आप अगर चाहें तो लंबे लंबे बना सकते हैं, रशियन कबाब की तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मेरे कबाब अच्छे से सेट हो गए थे, इसलिए ये आसानी से बन रहे हैं। आप भी थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में जरूर रख दें। यहाँ पर देखें सारे कबाब मेरे बनकर रेडी हो गए हैं। अब यहाँ मैं मैदे की स्लरी बना रही हूँ जिसमें मैं कबाब को डिप करूंगी। तो मैंने 3 टेबलस्पून मैदा ली हूँ, नमक और काली मिर्च का पाउडर डाली हूँ। पानी डालकर एक अच्छा सा मीडियम घोल बना लेंगे, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा गाढ़ा। इसमें सबसे पहले कबाबों को डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैनको का ब्रेड क्रम्स ली हूँ। इससे कबाब बहुत ही ज्यादा क्रंची बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके पास ये वाला क्रम्स नहीं है, तो आप ब्रेड के स्लाइसेस को मिक्सर ग्राइंड में अच्छे से पीस लें, फिर इस तरह से कबाब बना लें, तो भी बहुत ही अच्छे क्रंची से कबाब बनकर तैयार होते हैं। पहले कबाब को मैदे की स्लरी में डिप करें, फिर अच्छे से इसके ऊपर ब्रेड के क्रम्स की कोटिंग कर लें। यहाँ पर देखें बहुत ही अच्छे से मेरे सारे कबाब रेडी हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह के आप सारे कबाब बनाकर रेडी कर लें। तो इस स्टेज पर आप कबाब को फ्रीज भी कर सकते हैं। टोटल मैंने यहाँ पर 20 कबाब बनाई हूँ, वो भी सिर्फ 1/4 किलो चिकन से। बहुत ही थोड़े से चिकन से इतने सारे कबाब बनकर रेडी हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को टिफिन में, लंच बॉक्स में उनके दे सकते हैं। मेक एंड फ्रीज है ये रेसिपी, तो जरूर एक बार ट्राई करें। यहाँ पर मैंने आधे कबाबों को फ्रीज कर ली हूँ और आधे कबाबों को मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसे दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये कबाब बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं, क्योंकि अंदर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी पकी हुई हैं। बस ऊपर से अच्छा सा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप अपनी दावतों में इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इसका टेस्ट छोटे या बड़े हर किसी को पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे मेयोनीज से डेकोरेट कर रही हूँ। आप अपनी पसंद की कोई भी चटनी सॉस के साथ इसे जरूर ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने ज्यादा जूसी बने। यहाँ पर देखिए चीज़ी सा ये कबाब बनकर तैयार हो जाता है। कटलेट कह लें, कबाब कह लें,
रमजान में बनाए या फिर दावतों में बनाए, जरूर ट्राई करें मेरी रेसिपी को। आज की रेसिपी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई रेसिपीज के साथ, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।